आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगा जिन्होंने गुफा में रहकर ध्यान और प्रार्थना में अपना जीवन बिताया था। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 11 जुलाई को संपूर्ण कलिसिया नुर्सिया के संत बेनेडिक्ट का पर्व मनाती है। संत बेनेडिक्ट का जन्म सन 480 ईस्वी में इटली में हुआ था। वे एक धनी परिवार से थे और वे चाहते थे कि अपना जीवन वे प्रभु के लिए समर्पित कर दें। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने निर्णय किया कि वे अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करेंगे, क्योंकि उनके जो मित्र थे उन लोगों का जीवन बहुत ही दयनीय था। वो सांसारिक मोह माया में अपना जीवन व्यतीत करते थे। संत बेनेडिक्ट ने निश्चय किया कि वे एक गुफा में जाकर रहेंगे और वहीं पर प्रार्थना एवं साधना में जीवन बिताएंगे। एक बार एक अधिकारी आते हैं और उन्हें अपने मठ में लाने की कोशिश करते हैं और उस अधिकारी का मठ पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। वे संत बेनेडिक्ट को उनके मठ के वस्त्र देते हैं और उनसे कहते हैं कि वे वहीं पर रहें। संत बेनेडिक्ट वहीं के पास की गुफा में जाकर रहते हैं और 3 वर्षों तक मौन साधना और शांति में जीवन व्यतीत करते हैं। एक बार पास के मठ के प्रमुख की मृत्यु हो जाती है। वहाँ के शिष्य संत बेनेडिक्ट के पास आते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि वे उनके मठ के अधिकारी बने। संत बेनेडिक्ट वहाँ पर जाते हैं और उस मठ के अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं, परंतु उस मठ के जो भिक्षु थे, जो शिष्य थे, उनका जीवन बहुत ही दयनीय था। संत बेनेडिक्ट को जब पता चला कि उनका जीवन इस प्रकार का है तो उन्होंने मठ के नियम कानून बहुत ही कड़े कर दिए, जिसकी वजह से वह भिक्षु उनके विरुद्ध हो गए और उन्होंने संत बेनेडिक्ट के जल में विष मिला दिया और उस विष भरे जल को पीने के पहले संत बेनेडिक्ट ने उसके ऊपर प्रार्थना करी और उसे पी लिया। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद संत बेनेडिक्ट ने वह जगह छोड़ दी और उस जगह को छोड़कर वह वापस गुफा में रहकर प्रार्थना करने लगे। उसी गुफा के पास में रहने वाला एक पुरोहित उनसे बहुत ही ईर्ष्या करता था और वे उन्हें हमेशा मारने की फिराक में रहता था। उन्होंने उनके भोजन में जहर मिला दिया। जब संत बेनेडिक्ट को यह भोजन दिया गया तब उन्होंने इस भोजन पर प्रार्थना करी और इसे ग्रहण किया, परंतु संत बेनेडिक्ट को कुछ भी नहीं हुआ। और इन चमत्कारों की चर्चा चारों ओर फैल गई। 530 में संत बेनेडिक्ट ने बेनेडिक्टाइन मोनेस्ट्री की स्थापना की। उन्होंने 12 मुख्य संस्थाएं स्थापित करके अपनी संस्था को आगे बढ़ाया। संत बेनेडिक्ट का चमत्कारी क्रूस भी बहुत अधिक प्रसिद्ध था, क्योंकि उनके क्रूस से कई प्रेत आत्माएं और भूतों को वे भगाने का कार्य करते थे। उनकी मृत्यु 21 मार्च 547 में हुई। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम विशेष रूप से नुर्सिया के संत बेनेडिक्ट के माध्यम से प्रार्थना करें कि प्रभु भी हमें शक्ति, आशीष और कृपा प्रदान करें ताकि हम दूसरों के लिए अपने जीवन को यापन कर सकें।